जय माता दी, जय मां कामाख्या, कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थसिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधा करम भा कल्याणम दा कनक चंबक धाम भूषाम उतुंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नता ती हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो जय माता दी, जय मां कामख्या। चंद्रमा और तंत्र का क्या संबंध है? चंद्रमा से ही तंत्र लगता है और हटता है। तो जिस मनुष्य का जन्म चंद्रमा में कमजोर अवस्था में यदि हो जाता है तो उसे पूरी जिंदगी भर नजर दोष काला जादू टोना टोटका इससे पीड़ित रहता ही रहता है। परंतु चंद्र दोष होने पर चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसे स्त्री पुरुष जो भी होते हैं कलर उनका बहुत फेयर होता है, गौर वर्ण के होते हैं, परंतु जीवन में उन्हें नजर दोष से बचा नहीं जा सकता है। तो ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा एक राशि पर लगभग 2.5 दिन तक विचरण करता है। इस प्रकार प्रत्येक 2.5 दिन में मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आता रहता है। चंद्रमा की शुभता से एक और गज केसरी योग बनता है। चंद्रमा यदि अच्छा है तो गुरु चंद्र मिल जाता है तो गज केसरी योग बनता है। दूसरा योग बनता है महालक्ष्मी योग भी बनता है। वहीं चंद्रमा दूसरी तरफ केमुद्रक योग बनता है जो नुकसानदेह होता है, विष योग बनता है और ग्रहण योग भी बनता है। अब केमुद्रक योग का बनता है इसका मतलब है कि चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं होता है तो समझो केमुद्रक योग बन गया। विष योग यानी शनि और चंद्र की
आपस मिल जाते हैं तो विषयों की उत्पत्ति हो जाती है। और चंद्रमा के साथ में यदि राहु बैठ जाता है तो ग्रहण योग बन जाता है। हम कई बार देखते हैं कोई कोई मनुष्य तो तुरंत निर्णय ले लेता है और कोई कोई मनुष्य निर्णय ले ही नहीं पाता और उसका वो समय समाप्त हो जाता है और वो ढाक के तीन पात घर का घर में बैठा रहता है। यानी कहते हैं ना, जिसकी निर्णय शक्ति बहुत तेज गति से होती है उसका चंद्रमा अच्छा माना गया है। और जो मनुष्य निर्णय ही नहीं ले पाता है और नुकसान उठाता है उसका मतलब कि उसका चंद्रमा कमजोर है, यह उसकी प्रकृति से ही पता लग जाता है। तो जब चंद्रमा के साथ राहु की युक्ति हो रही हो तो ऐसी अवस्था को चंद्र दोष माना जाता है। इसी अवस्था को चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। और चंद्र ग्रहण अवस्था में चंद्रमा पीड़ित होता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है इसलिए मन भी पीड़ित हो जाता है, मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, मन में बीमारियां पैदा हो जाती है, यानी कि मन कमजोर हो जाता है। यानी चंद्रमा पर यदि चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए या चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि भी पड़ जाती है तो यह भी चंद्र दोष कहलाता है। या फिर चंद्रमा केतु के साथ युक्ति संबंध कर रहा हो तो उसे भी चंद्र दोष कहते हैं। चंद्रमा यदि नीच राशि का यानी वृश्चिक राशि का हो या फिर नीच ग्रह के साथ बैठा हो, अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो, या ये कह लें कि चंद्रमा पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो भी चंद्र दोष कहलाता है। और ऐसे मनुष्य जिसका चंद्र दोष होता है उसके ऊपर ऊपरी बाधा काला जादू तंत्र मंत्र का प्रभाव होता ही होता है, उसके शत्रु अवश्य उत्पन्न होते हैं और शत्रु भी ऐसे उत्पन्न होते हैं जो तांत्रिक किस्म के होते हैं। यह ईश्वर का लेख है। तो चंद्रमा जिसका कमजोर होता है मान करके चलो पूरी जिंदगी भर उसे बीमारियां लगी ही रहेगी, कोई ना कोई बीमारी अवश्य रहेगी चंद्रमा की कमजोर होने की वजह से। जब राहु केतु के बीच में चंद्रमा हो तो भी चंद्र दोष कहलाता है। और जब चंद्रमा पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उसे भी चंद्र दोष कहते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो यानी अमावस्या को भी यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो भी चंद्र दोष कहा जाता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा अपने आकाश मंडल में नहीं होता है। इन सब दोष के अलावा भी चंद्रमा से यदि द्वितीय और बारहवें स्थान पर यदि सूर्य राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह न हो तो ये भी चंद्रमा को पीड़ित करते हैं। चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से दूसरे भाव में और बारहवें स्थान पर यदि सूर्य हो, राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह यदि नहीं हो, यानी चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे भी यदि सूर्य और राहु बैठ जाए तो चंद्र दोष की उत्पत्ति हो जाती है। यानी ऐसे मनुष्य को जितने मैंने सिम्टम बताए हैं चंद्रमा के कमजोर होने के, ये सब सिम्टम शो करते हैं कि चंद्रमा यदि किसी का पीड़ित है तो उसके ऊपर तंत्र बाधा ऊपरी बाधा अवश्य लगती है, नजर दोष भी लगते हैं। और कई बार तो तंत्र की वजह से अचानक मौत हो जाती, जब तक पता लगता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, अचानक कोई छत से गिर जाता है या कोई धक्का दे देता है, पता ही नहीं चलता, अदृश्य शक्ति धक्का दे देती है और व्यक्ति सोचता नॉर्मल रूप से चक्कर आके गिर गए।
तो जिस जिसका भी चंद्रमा कमजोर होता है उसके ऊपर तंत्र बाधा अवश्य होती है, ऊपरी बाधा लगती है, काला जादू होता है, नजर दोष होता है, उसके शत्रु भी ऐसे होते हैं जो तंत्र क्रिया उस मनुष्य के ऊपर कराते हैं। और जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उसके ऊपर न चाहते हुए भी रास्ते चलते में यदि कोई प्रेत खड़ा तो वो प्रेत भी उसके ऊपर चिपक जाता है। चंद्रमा जो है शरीर के किस किस अंग को प्रभावित करता है। यदि खराब चंद्रमा है तो चंद्रमा जो है मनुष्य के शरीर का बायां अंग, बायां अंग मतलब उल्टे हाथ तरफ के जो अंग होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। बाई आंख को रिप्रेजेंट करता है, यदि किसी की बाई आंख खराब हो गई जल्दी तो मान के चलो चंद्रमा खराब है। और स्त्रियों में यदि चंद्रमा खराब होगा तो उस स्त्री का मासिक धर्म खराब होता ही होता है और उसे बच्चे पैदा होने में तकलीफ जाती है। और स्त्रियां कहती कि साहब हमारे पर किसी ने कलवा वीर छोड़ दिया, किसी ने हमें कुछ खिला पिला दिया, कोई चीज हमारे ऊपर चिपक गई इसलिए हमारा मासिक धर्म बिगड़ गया। जबकि ऐसा नहीं होता है, ये चंद्रमा कमजोर होने की वजह से ही स्त्रियों का मासिक धर्म खराब होता है। रक्त संचार जो होता है, खून का ब्लड का सर्कुलेशन, इस पर भी चंद्र का प्रभाव रहता है। मन हो गया, दया की भावना होगी, आकांक्षाएं होगी, ये चंद्रमा द्वारा संचालित होती है। जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमजोर होता है उनमें दया की भावना का अभाव होता है। यानी कोई व्यक्ति यदि आपके साथ में है और उसमें दया की भावना नहीं हो, क्रूरता ज्यादा हो, तो मान के चलो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा खराब है। ये दूसरों की उन्नति देख करके उदास भी होते हैं, मन में अहंकार की भावना भी उत्पन्न होती है, चंद्रमा खराब होने के लक्षण है। इनकी माता को कष्ट उठाना पड़ता है और स्वयं को भी कष्ट उठाना पड़ता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होती है या संभाल के नहीं रख पाते हैं, बिक जाती है। जिस स्त्री की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें मासिक चक्र की परेशानी रहती ही रहती है। तो ये तंत्र वाले मनुष्यों को ये ज्ञान होता है कि जो स्त्री उनके पास आती कि साहब हमारा मासिक धर्म खराब है, कुछ टोना टोटका कर दो, कुछ उतारा कर दो, तो समझ जाओ उसका सिर्फ आपको चंद्रमा की पूजा करवाना है, चंद्रमा को बलिष्ठ करवाना है, चंद्रमा से संबंधित दान दिलवाना है, तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो जन्म समय पे चंद्र के पक्ष पर भी निर्भर करता है कि वह पक्ष बल में बली हो तो चंद्रमा शुभ होता है, अन्यथा पक्ष बल यदि कमजोर होता है तो चंद्रमा अशुभ होता है। चंद्रमा यदि खराब होता है तो स्वास्थ्य की हानि अवश्य होती है, धन की कमी भी महसूस होती है, क्योंकि चंद्रमा और लक्ष्मी का आपस में भाई बहन का संबंध है। तो चंद्रमा खराब होगा तो उसका बहन से संबंध भी ठीक नहीं होता, इसलिए धन की कमी भी होती है। असफलता मिलती है, आंख में कष्ट देता है। इस प्रकार से चंद्रमा यदि कमजोर होता है तो वो तंत्र अवश्य उसके शरीर पर, उसकी आत्मा पर, उसके मन पर होता ही होता है, क्योंकि चंद्रमा की वजह से उसका खून कमजोर होता है, आत्मा कमजोर होती है, उसका विल पावर कमजोर होता है। और चंद्र अरिष्ट शांति के उपाय, यानी चंद्रमा यदि खराब हो तो यदि ठीक करना हो
तो गौरी का पूजन करना चाहिए, भगवती गौरी का पूजन ज्यादा से ज्यादा कराना चाहिए, महामृत्युंजय के मंत्र विधि विधान से जप करवाना चाहिए, और शिव कमच का पाठ करवाना चाहिए। यानी जिसका जिस स्त्री का मासिक धर्म खराब रहता है, ऐसी स्त्री को संकल्प देकर के महामृत्युंजय के जप विधि विधान से करवाना चाहिए, और ऐसी स्त्री को महागौरी की पूजा विशेष तौर से करते रहना चाहिए, और शिव जी का रुद्र अभिषेक करना चाहिए, और स्वयं को या किसी पंडित के माध्यम से संकल्प देकर के शिव अमोघ कवच का पाठ करना चाहिए। यदि चंद्र के साथ केतु हो या चंद्र के साथ शनि हो तो गणेश सहस्त्र नाम एवं गणेश पूजन करना चाहिए। यदि चंद्र के साथ शनि हो या चंद्र के साथ केतु हो तो गणेश पूजन करना चाहिए। और यदि चंद्र यदि स्वयं की राशि कर्क राशि या वृक्ष राशि का हो तो भगवती गौरी की पूजा करनी चाहिए। और चंद्रमा यदि बुध के साथ में हो या स्त्री राशि में हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और विवाह इत्यादि कार्यों में चंद्र राहु यदि इनका अशुभ प्रभाव हो तो शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए और पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत रखना चाहिए, सफेद वस्तुओं का दान देना चाहिए, और 5 छोटी कन्याओं को हर अष्टमी के दिन या नवमी के दिन या पूर्णिमा के दिन मीठा भोजन कराना चाहिए। सोमवार एवं पूर्णिमार को प्रातः जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके चांदी के बर्तन में कच्ची लस्सी यानी दूध गंगा जल शुद्ध जल की धारा शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। आप दूसरा मंत्र मत बोलिए, क्योंकि आजकल कुछ तथाकथित कथावाचक शिव जी का एक नया मंत्र बना बैठे हैं जो कई शास्त्रों में वर्णित नहीं है, इसलिए ऐसे उल्टे सीधे मंत्र भी मत बोलिए। प्रत्येक सोमवार को बबूल के पेड़ को दूध सींचना चाहिए यदि प्रेत बाधा हो तो, और चंद्रमा जिसका कमजोर होता है उसको प्रेत बाधा भी लगने की संभावना होती है। चंद्रमा यदि कमजोर होने की वजह से कमजोर संतान या संतान के लिए अरिष्ट कर रहा हो यानी संतान उत्पन्न करने में दिक्कत दे रहा हो तो शिवजी की आराधना करना चाहिए, शिवजी का अभिषेक कराना चाहिए। और चंद्रमा की वजह से विवाह नहीं हो रहा हो तो 32 पूर्णमासी के व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए जिससे विवाह हो सकता है। पूर्णिमा को चंद्र उदय के समय पे चांदी या तांबे के बर्तन में शहद मिला हुआ कोई भी पकवान यदि चंद्रमा को अर्पण किया जाए तो इससे चंद्रमा को तृप्ति मिलती है ना, चंद्रमा बलिष्ठ होता है, इससे प्रसन्न होकर चंद्रमा सभी कष्टों को छुटकारा दिलाते हैं। पूर्णिमा के दिन चांदी का कड़ा धारण करके रखना चाहिए, चांदी की चेन धारण करना चाहिए और चांदी का सिक्का विधिवत धारण करना चाहिए, गले में पहन लेना चाहिए। और स्त्रियों को असली मोती की माला अभिमंत्रित करके पूर्णमासी के दिन गले में धारण करना चाहिए। यदि चंद्रमा कमजोर हो उस स्त्री को तो मानसिक शांति मिल सकती है, स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन के लिए भी शुभ होता है। यदि चंद्रमा कमजोर हो और 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा करना हो तो चांदी के सिक्के पर चंद्र का बीज मंत्र जो होता है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ये खुदवाना चाहिए और इसी मंत्र से उस सिक्के को अभिमंत्रित करके गले में चांदी की चेन में धारण करना चाहिए तो वो बच्चे की आयु में वृद्धि हो सकती है। यानी चंद्रमा अशुभ होने की वजह से कई बार बच्चे के दिल में छेद रह जाता है, बार बार निमोनिया होता है,
उससे बचने का तरीका है ये। और चंद्रमा यदि बहुत ज्यादा कमजोर हो तो श्री शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर सवर्ष में एक बार जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर श्री चंद्रमा ने तपस्या की थी और भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। सोमवार और पूर्णमासी के दिन सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और सफेद वस्त्र ही धारण करना चाहिए। मानसिक और शारीरिक व्याधि यदि चंद्रमा की कमजोर की वजह से होती, क्योंकि तंत्र बाधा लग जाती है, ऊपरी बाधा लग जाती है, तो पूर्णिमा की रात्रि को बादाम और अन्य पंचमेवा जो होता है उन सबको डाल करके खीर बनाना चाहिए और रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखें उसको, और दूसरे दिन सवेरे उठ करके भगवान को भोग लगाकर वह खीर पांच ब्राह्मणों को खिला करने के बाद में स्वयं खाना चाहिए। इससे मानसिक रोग, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा में शांति मिलती है। तो ये चंद्रमा के विभिन्न टोटके हैं जो आपको तंत्र से बचाने का काम कर सकते हैं। यानी तंत्र तब ही लगता है जब किसी का चंद्रमा कमजोर होता है। तो चंद्रमा कमजोर क्यों होता है वह मैंने आपको बता दिया। यदि आपके परिवार में किसी को भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा से या फिर भूत प्रेतों से डर लगता हो, अकेले घर में रहने से डर लगता हो, अंधेरे से डर लगता हो, या फिर कोई न कोई नजर दोष लगते रहता हो, बीमार हमेशा कोई न कोई बीमार पड़ी रहते हैं, स्त्रियां अधिक ज्यादा बीमार पड़ी रहती है, तो मान के चलो उनका चंद्रमा कमजोर है, उसकी पूजन अर्चन कराना प्रारंभ कर दें। या फिर यदि आप और ज्यादा इस गहराई में जानना चाहते हो कि एग्जैक्ट कौन सी पूजा कराएं, तो आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं अपनी जन्मपत्रिका चेक कराने के लिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारा नंबर है 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।